एवरीबॉडी, मेरे चैनल रचना इन द किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं खांडवी। तो मैंने उसके लिए लिया है 1 कप बेसन, 1 कप दही, ताजा वाला दही है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। मैं डाल रही हूँ इसमें 2 कप पानी, 2 कप पानी डाल दिया है हमने। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी। अभी सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम बिल्कुल गुठलियां नहीं रहने देंगे। इसको हम 1-2 मिनट तक अच्छे से हिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम लेते हैं 1 पतीली और इसके अंदर इस घोल को हम डालते हैं। तो अब मैंने इसको गैस पे रख दिया है और गैस मैंने यहाँ पर चालू कर दिया है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ पर 8-10 मिनट तक लगातार चलाते ही रहेंगे। हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसे चलाते चलाते 8-10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की एक प्लेट ले ली है। अगर आप चाहो तो आपके पास ट्रे है तो आप ट्रे में भी जमा सकते हो। तो यहाँ पर हम इसमें तेल ग्रीस नहीं करेंगे और जो हमने बैटर बनाया है इस बैटर को हम इस प्लेट पे इस तरीके से फैला देंगे पतला पतला। इस तरीके से हम पूरी प्लेट पे फैला देंगे। अगर हम प्लेट पर तेल ग्रीस करेंगे तो जो बैटर हम इस पे फैलाएंगे फिर वो अच्छे से इस पे चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से हम फैला देंगे। तो मैं एक और प्लेट पे फैला देती हूँ। तो यहाँ पर हमने दोनों प्लेट में बैटर को अच्छे से फैला दिया है। तो हमें इसे ज्यादा देर नहीं रखना है, हमें सिर्फ इसे 7-8 मिनट रखना है। इसके बाद में हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर इसे 7-8 मिनट हो चुके हैं, हमने बैटर को फैलाया था। तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाकू और अब हम इसके पीस करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच के पीस करेंगे हम। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। तो अब हम यहाँ से हमने पीस काट लिए हैं। तो इस तरीके से हम चाकू से इसको से उठाएंगे और धीरे धीरे इस तरीके से हाथों से इसका रोल बनाएंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे रोल बना के सारे को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरीके से रोल बना लिए हैं। तो हम इसी तरीके से सारे रोल बना लें। हम फिर से इसको चाकू से इस तरीके से धीरे से उठाएंगे और इसका रोल बनाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरीके से सारी खंडवी बना ली है। तो अब हम तड़का लगाते हैं। यहाँ पर हमने 2 चम्मच तेल गरम रख दिया है और यहाँ पर हमारा तेल गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं राई, उसके बाद में हम डालते हैं जीरा और यहाँ पर हम डालते हैं 2-3 हरी मिर्च और अब हम डालते हैं इसमें कड़ी पत्ता और इसको अच्छे से हिला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये फ्रेश वाला नारियल है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है तो आप यहाँ पर सूखा भी ले सकते हैं। तो ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमारा तड़का बन चुका है तो हम गैस बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा तड़का तैयार है। तो अब हम इसे डालते हैं खांडवी के ऊपर। इस तरीके से सभी पे हम अच्छे से डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गुजराती खांडवी बनकर तैयार है। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। आप चाहो तो इसे सुबह के नाश्ते में बना लो या फिर बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हो। बच्चों को बहुत ही पसंद आती हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए।